और ये है रेलवे स्टेशन, काफी मजा आ रहा है। और इधर का जो चाय है ना गाइस, इसको बोलते हैं असली एडवेंचर। ओहो, ओके गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कर्शियंग। तो कर्शियंग में पहुंचा नहीं, अभी तक नीचे ही है। तो फाइनली आज जा रहे हैं हम लोग दार्जिलिंग। तो बहुत दिन से एक शौक था कि पहाड़ का एक गांव में जाएंगे, एक घर में रहेंगे, खुद से खाना बनाएंगे, खुद से खाएंगे, खुद से लोकल लोग की तरह रहेंगे, तो उसी में एक अलग ही मजा है। तो फाइनली वो उसके आज कंप्लीट हो रहा है एक दोस्त के घर। एक्चुअली का घर है बिजनबारी में, और बेसिकली वो जॉब के सिलसिले में सिलीगुड़ी में रहता है, तो उसी का घर जा रहा है। तो मजा आने वाला है। और फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं बिजनबारी, जो कि मैंने बोला सिलीगुड़ी टू बिजनबारी, बीच में दार्जिलिंग आएगा। हम लोग को दार्जिलिंग घूमेंगे, अच्छा खासा एक्सप्लोर करेंगे, जो भी है आप लोग को वीडियो में पता ही चलेगा। बाकी नया राइडिंग गियर कैसा लग रहा है आपको जरूर बताना। बाकी वीडियो को करते हैं शुरू। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल MBS ब्लॉग में आप लोग का सबको स्वागत। तो उसी के आप लोग खुशियाँ बढ़ते से प्यार मिलते, जितना भी मेरे उड़ी तक सबको मेरा प्यार बढ़े। नमस्ते गाइस, बाकी दोस्त लोग के साथ मिला था। तो ये दोस्त राजू, बेसिकली आप बहुत टाइम से एक साथ राइड कर रहे हैं, तो आज कैसा लग रहा है भाई? बहुत इंतजार, मॉर्निंग में निकलने का मजा क्यों और है। और हम लोग जहाँ पे जा रहा है उस लोकलिटी में, जो एक हम लोग का दोस्त थे उस दोस्त के घर में जा रहे हैं, तो कुछ अलग ही एंजॉयमेंट है। तो ये दोस्त के साथ मुलाकात करा रहा हूँ, ऋषि। हेलो, तो देख सकते हो ये बेसिकली इसका घर बिजनबारी में है, ये जॉब का सिलसिले में सिलीगुड़ी में रहता है, तो इसी का घर जा रहा है। काफी मजा आने वाला है, एकदम लोकल लोग की तरह रहने वाले हैं हम लोग। तो उसका बर्थडे भी है कल, तो ये देख सकते हो व्यू। अच्छा वेदर आज का इतना अच्छा बोल रहा है ना कि गाइस क्या बोलो, वेदर आप लोग देख सकते हैं, इतना अच्छा वेदर दिखाई दे रहा है आपको। फिर दिखाते रहेगा रास्ता में क्या क्या मिलेगा। हाँ, आपको फिर मेरा गांव जाके दिखाएगा कितना अच्छा वहाँ का मौसम है, वेदर है। छोटा गांव है लेकिन फिर भी आपको एंजॉय करेगा, आपको एंटरटेनमेंट करेगा, अच्छा अच्छा जगह दिखाएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में। अगर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करो। आने वाला वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि नया वीडियो आया बोल के। और बाकी ये सीरीज जो है, ये सीरीज दो तीन सीरीज होने वाला है, इसको फॉलो करना है कि आप लोग को पता चलेगा दार्जिलिंग कैसे घूमते हैं, कितना खर्चा लगता है। तो बहुत बातें कर लिया, बाकी मिलते हैं रोड पे। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग कर्शियंग क्रॉस करते हुए हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग की ओर। तो रास्ते में हम लोग ब्रेकफास्ट भी किया, मैगी वगैरह खाए। तो रूट का वीडियो क्या दिखाऊं आप लोग को पता ही है। आप लोग अगर सिलीगुड़ी से देख रहे हो, तो अगर बाहर से देख रहे हो, तो हम कुछ ही देर बाद आप लोग को बोल देंगे कि कैसे आना है बोल के। और हमको भी पता है आप लोग को रूट का वीडियो उतना खास अच्छा लगता नहीं है, तो डायरेक्ट मिलते हैं दार्जिलिंग स्टेशन पर गाइस। तो गाइस फाइनली घूमते घूमते आ चुके हैं हम दार्जिलिंग स्टेशन में, हिल स्टेशन। तो फर्स्ट टाइम मेरा आपके साथ ब्लॉगिंग स्टेशन में। मैं काफ़ी बार आया हूँ इधर, काफ़ी घूमा हूँ दार्जिलिंग पे। एक्चुअली ब्लॉगिंग सेटअप में कभी नहीं आया, तो फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग सेटअप में आया। और फर्स्ट टाइम अपना शेर खान को भी लेके आया। तो इधर एक टी ब्रेक लेंगे हम, चाय भी पियेंगे, बाकी खूबसूरत नज़ारों के साथ। अपना भाई बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, बाकी राजू भी है और ऋषि भी है। ऋषि का तो ये होम टाउन है, लेकिन हम लोग बहुत टाइम के बाद आते हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देख सकते हो मेरा सामने ये पूरा दार्जिलिंग सिटी है, और उधर ऊपर मेल है, उधर भी घूमेंगे। घूमने के बाद हम लोग जाएंगे बिजनबारी के ओर। बाकी दार्जिलिंग स्टेशन क्या बताएं, बहुत ही खूबसूरत है। और आप लोग अगर कभी नहीं आए हो दार्जिलिंग, जहाँ से भी देख रहे हो ना, अगर बाहर से देख रहे हो फ्लाइट से आना चाहते हो तो बागडोरा एयरपोर्ट आ जाओ, अगर ट्रेन से आना चाहते हो तो NGP स्टेशन आ जाओ। फिर उधर आके शेयर गाड़ी भी मिल सकते हैं, रिजर्व भी कर सकते हो, ज़्यादा दूर है नहीं, 71 किलोमीटर है। और ऋषि से बात करते हैं थोड़ा, ऋषि क्या बोलते हैं? ऋषि गाइस कैसे लग रहा है मेरा होम टाउन? आप लोग शायद इंजॉय कर रहा होगा, आपको वेदर दिखाई दे रहा है, कंचनजंगा भी व्यू दिखाई दे रहा है एकदम एकदम। आज का मौसम इतना क्लियर है कि आप लोग का देखिए, आज लकी है आप लोग भी ये वीडियो देखने के लिए। इतना अच्छा कंचनजंगा दिखाई दे रहा है ना कि गाइस हरदम ये कंचनजंगा इतना क्लियरिटी नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमेशा फॉगी फॉग रहता है। आज देखिए इतना क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। आप लोग भी लकी है गाइस, हम लोग भी आज लकी है, इतना अच्छा वेदर में घूमने को मिला। और राजू पता नहीं इसको वीडियो कॉल में कोई है क्या? कोई है क्या? कोई नहीं है, लेकिन प्लान ऐसा हुआ ना कि दो दिन आगे प्लान हुआ और तीन दिन हम लोग यहाँ थे।
सो फाइनली गाइस सिनेमेटिक शॉट कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये है रेलवे स्टेशन, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और इधर का जो चाय है ना गाइस, बहुत ही सच में बहुत ही सही था, और काफ़ी सही था। मतलब एक बार अगर आते हो ना तो इधर का चाय ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा आप लोग को भी। हम तो किया, काफ़ी सही लगा। और भाई लोग ने कॉफ़ी पिया, उन लोग को भी काफ़ी सही लगा। ये लॉक है अभी, अगर खुला होता तो हम लोग चले जाते ट्रॉयटेंट का, अंदर जाके दिखाते। और फिलहाल आप लोग सोच रहे हो कि ट्रॉयटेंट का टिकट कितना होगा, तो लास्ट टाइम मैंने जब आए थे ट्रॉयटेंट में राइड करने के लिए तो टाइम नहीं था, उस टाइम टिकट मैंने पूछा। एक छोटा सा राइड होता है इधर से बातासिया लूप होके घूम स्टेशन टू दार्जिलिंग स्टेशन 1500, इधर आके 1600 या 1700, और ऑनलाइन करते हो तो थोड़ा सा कम में हो जाता है 1500, मतलब उल्टा है। ऑनलाइन पहले से करते हो तो कम आता है, और इधर उल्टा है, इधर आके करते हो तो थोड़ा सा कम होता है। बाकी एकदम सही है, एक्चुअली शेयर मार्केटिंग की तरह है, मार्केट के हिसाब से रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो देख सकते हो गाइस, अभी हम लोग है ट्रॉयटेन का इंजिन जहाँ पे रहता है, जहाँ पे क्या बोलते हैं लोगो सीट जो इंजिन बनाता है, ये बेसिकली कोयला का है, अभी भी चल रहा है, बहुत साल पहले का है, ब्रिटिश का है। तो ये हम लोग का वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है, काफ़ी बाहर से भी टूरिस्ट आता है। कुछ दिन पहले हम लोग का G20 मीटअप भी था, उस टाइम पर भी बहुत सारा फॉरेनर लोग आए, कुछ अच्छा लोग मिला हम लोग का। क्या नाम है आप लोग का? आपका प्रयास। तो इधर का जो बच्चा है ना, काफ़ी स्वीट है, और सब कुछ स्वीट है इधर। अरे इधर फोटो खींचने के लिए गया तो उधर बहुत सारा है आदमी, फोटो नहीं खींच सकते, टूरिस्ट पॉइंट है भाई, इधर क्लियर करके रखना चाहिए। जो भी है चलो सही है, इधर बहुत सारा होटल भी है, ये होटल से व्यू एकदम बढ़िया, बट हम लोग को व्यू नहीं चाहिए, हम लोग को स्वैग चाहिए इसलिए हम लोग गाँव का अंदर जा रहे हैं। चलो सो गाइस, अभी क्या बताएं, बहुत कुछ फुटेज था वो डिलेड हो चुका है मेरा फ़ोन से, क्योंकि आप लोग को पता ही है मेरा एक ही फ़ोन है, एक ही फ़ोन से मैं इंस्टाग्राम का रील्स वगैरह जितना भी है सब इसी फ़ोन से करता हूँ एडिटिंग वगैरह। तो इसलिए ना स्टोरेज फुल होने के कारण वो डिलेड हो चुका है, गूगल ड्राइव में जितना भी है वो हम लोग डाउनलोड करने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो का बहुत कुछ है, वो हम ज़रूर आप लोग को दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर उधर से सीधा चले गए हैं हम लोग बिजनबारी की ओर, जमुना ब्रिज बोलते हैं, उधर चले गए। तो उधर का कुछ फोटेज है, वीडियो है, बहुत ही अच्छा है, तो चलते हैं जमुना ब्रिज में गाइस। सो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं बिजनबारी, देख सकते हो तो बहुत ही बड़ा मूर्ति है। और इधर एक छोटा सा एक लेक भी था, लेक सूख गया, तो बरसात का टाइम पे इधर बोटिंग वगैरह सब होता है। ये जमुना ब्रिज काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है, और ये दोनों पहाड़ का बीच में है, ये पहाड़ का उस पर शायद सिक्किम है, तो काफ़ी सही है, बट लोकेशन सही है। आप लोग अगर दार्जिलिंग आ रहे हो तो एक बार इधर में भी विजिट कर लेना, इसका बारे में ऋषि बताएगा कि ऋषि का घर इधर ही है, ऋषि का घर इधर से 10 मिनट, तो ऋषि कुछ बोलेगा इस लोकेशन के बारे में। ऋषि गाइस, सो आप लोग तो इंजॉय कर रहे होगा, देख रहे हैं कैसा का लोकेशन है। आप लोग जरूर दार्जिलिंग आइएगा, तो दार्जिलिंग से थोड़ा ही नीचे, ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग जरूर इस जगह में आइएगा। पिकनिक स्पॉट अच्छा है, नदी है, छोटा रंगीत बोलते हैं जो नदी आप लोग दिखा रहे हैं, छोटा रंगीत सीधे जाके डिस्टा में बैठ होता है। हाँ गाइस, एक बार जरूर आइएगा दार्जिलिंग, जो आता है जरूर थोड़ा नीचे है, एक बार कष्ट करके भी आइएगा घूमने के लिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा गाइस। और सही में ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, सही में ये फ्लैग देख सकते हो,